चंडीगढ़ के कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के नए चेयरमैन बने हैं, हमारे साथ हैं शिप्रा बांसल, बातचीत करते हैं उनसे। मैम, आपको जिम्मेदारी दी गई है चंडीगढ़ में जो बच्चे हैं उनके प्रोटेक्शन और उनके राइट्स के बारे में, किस तरह से देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल नई जिम्मेवारी मिली है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि जहाँ पे बात आ जाती है बच्चे की तो हमें उनको कहते हैं ना कि फूलों की तरह हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम सिर्फ उनके, ये नहीं कि हम उनके सिर्फ राइट्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट की, ओवरऑल देख रेख की, कि वो साइकोलॉजिकली कैसे उनकी अपब्रिंगिंग होती है, क्योंकि आज का जो हमारा टेक वाला टाइम है, डिजिटल वाला टाइम है, उसके बेस पे हमें उनकी छोटी छोटी चीज़ों के, उनके बिहेवियर पे, उनके हर एक एक्शन पे हमें ध्यान देना पड़ता है। मैम, पीछे हम मेकर ट्री भी देख पा रहे हैं जिसमें बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। गर्ल इंडिया प्रोजेक्ट है, स्किल डेवलपमेंट है, खेलो इंडिया है, ब्रांड एम्बेसडर है, चाइल्ड लेबर फ्री जोन है। तो इन चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मेनली जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है वो चाइल्ड लेबर की आती है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए, चाइल्ड लेबर को लेकर अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमारी सरकार, हमारी जुडिशरी की तरफ से बहुत ज़्यादा रूलिंग और एक्ट्स हो चुके हैं, बट फिर भी चंडीगढ़ में अगर मैं कहूँगी तो शायद यहाँ पे फिर कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पीपल आर मच अवेयर कि चाइल्ड लेबर से हमारे क्या एक्शंस हो सकते हैं या इसकी क्या हमारी लीगैलिटीज़ आ जाती हैं। यहाँ के लोगों में एक और चीज़ देखी जाती है कि वो चाइल्ड लेबर, अगर कोई उनके पास बच्चा आता है तो वो रादर उसको एज अ लेबरर रखने की जगह वो उसकी एजुकेशन तक स्पॉन्सर करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि हम उनकी देख रेख करें। बट हाँ, बिल्कुल चाइल्ड लेबर एक ऐसा है कि हम उस पर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ नहीं सकते हैं, इसको टाइम टू टाइम हमें प्रॉपर चेक करना पड़ता है, हमें इंस्पेक्शंस भी करनी पड़ती हैं, और उसमें शायद एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवन इज टेकिंग गुड लीड इन दिस केस। मैम, चंडीगढ़ की बात की जाए तो प्लांट सिटी से कहा जाता है, और देखा जाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऐसे में यहाँ पर कितनी तरह के केसेस जो चाइल्ड्स को लेकर के आते हैं? यहाँ पर ऐसा है जी, देखिए कि आज के टाइम में अगर मैं कहूँगी और हम अपने टाइम की बात करें तो बच्चे खुद बहुत अवेयर हैं, उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट आपके फैमिलीज़ या आपके पेरेंट्स, चाहे वो जितना भी समय दे पा रहे हैं, अच्छा उन्हें अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं। दूसरा जाता है जो उनके प्लेवेज हैं या स्कूल्स हैं, वहाँ पे उन्हें टाइम टू टाइम, जैसे हमारी तरफ से भी टाइम टू टाइम गुड टच बैड टच के सेशंस किए जाते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप यहाँ पे अपने छोटे छोटे बोर्ड्स लगाएंगे, हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे लिखे जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि बच्चे काफ़ी अवेयर हो गए हैं। अब मतलब हमारे पास ऐसे तक केसेस आते हैं कि वो छोटा सा झगड़ा भी होता है तो वो भी आ जाता है जी। तो दे आर वेरी मच अवेयर, उन्हें पता है कि अच्छा कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम कंप्लेंट कर सकते हैं, हमारे पास हेल्पलाइंस हैं जी। मैम, हाल ही में अगर बात की जाए तो जो पार्लियामेंट सेशन हुआ तो उसमें एक आवाज़ गूंजी कि चंडीगढ़ में जो है वो गर्ल चाइल्ड ज़्यादा मिसिंग हो रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ किया गया? देखिए, मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे काउंटर नहीं कर रही हूँ, बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि जो उन्होंने एक ओवरऑल इसका डेटा हमारे सामने रिवील किया था कि जी हर दिन चंडीगढ़ में 4 लड़कियाँ गायब हो रही हैं, वो बेसिकली चंडीगढ़ नहीं है, उन्होंने एक रीजन को अगर हम लें तो वो रीजन की बात थी। और यहाँ पे जो हमारा पिछले साल का अगर हम डेटा की बात करें, ये वेरीफाइड डेटा है इनफैक्ट, कि जो हमारे यहाँ पे 151 बच्चे अब मिसिंग थे, उसमें से ऑलरेडी 84 तो हमारे ट्रेस भी हो चुके हैं। तो ऐसी ही चीज़ें हैं कि ठीक है मिसिंग हो रही हैं, बट इसमें पुलिस डिपार्टमेंट एक्चुअली काबिले तारीफ है जी। आपसे अब भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपको ये दिया गया है ओहदा, यहाँ पर काम कर रहे हैं आप इस क्षेत्र में, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? देखिए, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था तब शुरू से हमारा एक वो रहता है कि एजुकेशन, चाहे नो डाउट हम चंडीगढ़ एक लिटरेट सिटी में हैं, बट यहाँ के जितने भी EWS सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट रेट्स बहुत दिखते हैं। एक तो वो चीज़ भी आ जाती है कि ठीक है वो जब तक फ्री एजुकेशन है तब तक वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, वो सारी चीज़ें भी हैं। पर अब 1 month होने वाला है इस कोर्स में, एक चीज़ बड़ी वो चीज़ें सामने आई हैं कि इतने सेंसिटिव इश्यूज़ में ना, शायद मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो टीचर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर हमारे पेरेंट्स, उनको अवेयर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आप एक बच्चे को उस वे में ट्रीट मत करिए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है एंड यू हैव बिकम अ वेरी यू नो
क्रिमिनल काइंड ऑफ पर्सन. नो, हमें उनको समझाने की ज़रूरत है, हमें उनके बिहेवियरल चेंजेस को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का जो टाइम डिजिटल उससे बनाने का, उसमें जो बैलेंस है ना, वो शायद कहीं ना कहीं पे चूक रहा है. तो ये एक बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी. और उनको ताकि गुड टच बैड टच का पता हो, फिर पॉक्सो के रिलेटेड उनको पूरी एक जानकारी होनी चाहिए. हम हाल बहुत जल्दी एक वर्कशॉप भी कंडक्ट करने वाले हैं. बिल्कुल, इसको इस तरह से करेंगे कि आप मीटिंग्स वगैरह लेंगे, वर्कशॉप्स लेंगे, इसको किस तरह से जो है आगे अप्लाई किया जाएगा? इसमें वर्कशॉप्स भी होंगी. इनफैक्ट टाइम टू टाइम अगर हमें लगेगा तो हम कुछ जोन वाइज हम स्कूल्स में विजिट्स भी करेंगे. अभी जैसे हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल से, फिर उसके बाद उनके जो काउंसलर्स हैं उनके साथ भी. और अभी भी हमारे जो इस मंथ में ऑलरेडी हमारे स्कूल्स में इसके गुड टच और पॉक्सो के सेशंस हुए हैं. अभी हमने 17th को शिवालिक पब्लिक में किया था, उसे लास्ट वीक हमने गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में किया था. तो काफ़ी चीज़ें ये हमारी साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि हमारी टीम अच्छी है. वी हैव गुड कंसल्टेंट्स जो सारे टीम की तरह काम कर रहे हैं. सवाल मैं लूँगी, लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे, ताकि बच्चे जो हैं हर घर के होते हैं, हर घर में होते हैं, और लोग जो हैं अगर वो इसमें आकर के आगे बढ़ेंगे, साथ देंगे, तो शायद ये और ज़्यादा ईजी हो जाए. बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बिल्कुल कहना चाहूँगी कि लोग जो बच्चों को डील करें वो कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें उनमें अच्छा बुरा गलत सही का मतलब भी सिखाना है, कभी कभी हमें उनके डांट के भी समझाना, पर जहाँ तक हो सके उन्हें बहुत ही पैम्पर्ड हो के, क्योंकि जो आज का टाइम है वहाँ पे मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट की है. तो उस हिसाब से हमें बच्चों को बड़े ही प्यार से, और अगर कोई बच्चा शांत स्वभाव का है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो रिजर्व है, रादर हमें उनसे फ्रेंडली माहौल में बात करनी चाहिए. हो सकता है वो बच्चा किस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, तो यही मैं कहूँगी कि सबको एक फ्रेंडली माहौल की तरह, बच्चों को एक, सबको पूरे अच्छे से, हमारे आने वाले फ्यूचर हैं वो, तो उन्हें बहुत ही संजो के रखना चाहिए. धन्यवाद. तो ये थे हमारे साथ CCPCR के चेयरमैन शिप्रा बांसल, जिन्होंने जानकारी साझा की है कि CCPCR के तहत जो है उन्होंने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स और मीटिंग्स का दौर जो है वो शुरू किया है, ताकि जो बच्चे हैं उनको ऊपर ध्यान रखा जाए, और उन्हें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा. वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत.